तुर्की में भूकंप ने मचाई जबरदस्त तबाही और इसके बाद बाबा वेंगा की भविष्यवाणी एक बार फिर याद आ गई, चर्चा का विषय बन गई। क्या तुर्की की तबाही को 100 साल पहले ही बता दिया गया था? क्या भारत के बारे में जो भविष्यवाणी की गई है वो एक चेतावनी है? तुर्की में वही हुआ जो बाबा वेंगा ने कहा, भारत के लिए जो कहा है जानेंगे तो होश उड़ जाएंगे। बाबा वेंगा की वो भविष्यवाणी जिसने तुर्की की तबाही के बाद भारत को परेशान कर दिया, आपको बताते हैं। क्या बाबा वेंगा ने पहले ही आगाह कर दिया था कि तुर्की में शक्तिशाली भूकंप आएगा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार 2023 में कोई बड़ी खगोलीय घटना होने वाली थी। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने भविष्यवाणियों की सटीकता पर एक नई बहस छेड़ दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रैंक नाम के एक शोधकर्ता ने भी भूकंप आने से महज 3 दिन पहले इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। हुगर बीट्स ने 3 फरवरी को ही कहा था कि सीरिया और तुर्की में भयानक भूकंप आने वाला है। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि एक तुक्का है, क्योंकि उनकी ही कई भविष्यवाणियां अभी तक गलत साबित हो चुकी हैं। वहीं कुछ लोग उनकी तुलना नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा से कर रहे हैं। और बाबा वेंगा से क्यों कर रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे रिपोर्ट में आगे। बाबा वेंगा ने भारत के बारे में क्या कहा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए फ्रैंक की ये भविष्यवाणी क्यों चर्चा में आई। तुर्की में आए भूकंप के बाद बुल्गारिया में पैदा हुए बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों की भी चर्चा होने लग गई है और फ्रैंक की भविष्यवाणी की वजह से चर्चाएं ज्यादा हो गई हैं। बाबा वेंगा ने साल 2023 के लिए कई भविष्यवाणियां की थी और अगर सच साबित हुई तो धरती पर कहर बरपा देंगी। बाबा वेंगा की साल 2023 की भविष्यवाणियां क्या हैं वो आपको बता देते हैं। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों की वो उनको पहेलियों की शक्ल में लिखती थी। जानकारों की माने तो साल 2023 में पृथ्वी पर बड़ी खगोलीय घटना या उथल पुथल हो सकती है जिससे पृथ्वी की कक्षा में बदलाव होगा, जिसका असर खतरनाक हो सकता है। 2023 में दुनिया भर में बढ़ती महंगाई से आर्थिक स्थिति बदहाल हो जाएगी। कई देशों में दंगे, आंदोलन और राजनीतिक उथल पुथल मचेगी जिसका परिणाम भयानक हो सकता है। बाबा वेंगा ने 2023 को लेकर भविष्यवाणियां की थी कि वर्ष 2023 में दुनिया के कई देशों में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बाबा वेंगा के अनुसार 2023 में ऐसा भी समय आ सकता है जब पृथ्वी पर एलियन का हमला होगा जिससे पृथ्वी की धुरी बदल जाएगी, जो बहुत खतरनाक होगा। यदि ऐसा होगा तो पृथ्वी सूर्य के निकट हो जाएगी जिससे तापमान बढ़ जाएगा। वहीं यदि पृथ्वी अपनी धुरी से हट गई, हटने के बाद सूर्य से दूर चली जाएगी, तो पृथ्वी का तापमान बहुत कम हो जाएगा, पूरी दुनिया बर्फ बन जाएगी जिससे चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। इस तरह की खतरनाक भविष्यवाणियां बाबा वेंगा ने की है। अब इसके साल क्या हैं, इनको कितने सही तरीके से समझ पाए कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इंटरप्रीट किया उन्होंने 2023 के साल को बताया है कि इसके विषय में कई खतरनाक भविष्यवाणियां की हैं। भारत को लेकर भी बाबा वेंगा ने 2023 के लिए जो भविष्यवाणियां की हैं वो डराने वाली हैं। हम आपको उन भविष्यवाणियों के बारे में भी बताएंगे। उससे पहले जानिए कि तुर्की के भूकंप पर कुछ दिनों पहले फ्रैंक ने जो भविष्यवाणी की थी वो कैसे चर्चा में आ गई और उसके बाद में फिर बाबा वेंगा, नास्त्रेदमस, ये सारी भविष्यवाणियों की चर्चा होने लगी। दरअसल तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप आने से 3 दिन पहले ही डच शोधकर्ता फ्रैंक हुगर बीट्स ने भविष्यवाणी की थी कि तुर्की विनाशकारी भूकंप का गवाह बनेगा। भूकंप से 3 दिन पहले नीदरलैंड स्थित सौर प्रणाली ज्यामिति सर्वेक्षण यानी SSGS के लिए काम करने वाले डच शोधकर्ता फ्रैंक हुगर बीट्स ने कथित तौर पर इसके बारे में भविष्यवाणी की थी। डच विशेषज्ञ फ्रैंक हुगर बीट्स ने अपने ट्वीट में लिखा था, जल्द या बाद में इस क्षेत्र दक्षिण मध्य तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, लेबनन में 7.5 तीव्रता का भूकंप आएगा। उन्हें अपनी भविष्यवाणी पर संदेह था, लेकिन एक तरह से वो सही साबित हुए। फ्रैंक का कहना है कि वो भविष्यवाणी सेस्मिक एक्टिविटी और ग्रहों की ज्यामिति के जरिए करते हैं। फ्रैंक की भविष्यवाणियों ने इस बात पर बहस शुरू कर दी है कि क्या भूकंप का पता लगाने का कोई सटीक तरीका है। हालांकि ट्विटर पर कई लोगों ने उन्हें एक छद्म वैज्ञानिक बताया है। तुर्की में भूकंप की भविष्यवाणी करने वाले ने कहा, अगली पंक्ति में भारत और पाक है। तुर्की और सीरिया के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर भूकंप आने और 21,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की भविष्यवाणी करने वाले डच शोधकर्ता फ्रैंक होगर बीट्स ने अब घोषणा की है कि अगली पंक्ति में एशियाई देश हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में फ्रैंक होगर बीट्स को एक बड़े भूकंप की भविष्यवाणी करते हुए देखा जा सकता है। होगर बीट्स ने कहा कि एशियाई देश तुर्की जैसे भूकंप या प्राकृतिक आपदाओं का सामना करेंगे। होगर बीट्स के मुताबिक अगला भूकंप अफगानिस्तान से शुरू होगा और पाकिस्तान और भारत को पार करने के बाद हिंद महासागर में समाप्त होगा। तो आइए अब आपको बताते हैं कि फ्रैंक ने भारत पाकिस्तान के बारे में क्या कहा है। एक वायरल वीडियो क्लिप में होगर बीट्स को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि यदि हम वायुमंडलीय उतार चढ़ाव को देखें तो ये क्षेत्र बढ़ी हुई भूकंपीय गतिविधि के लिए अगले शिकार हो सकते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ध्यान रखें कि ये मोटे अनुमान है और सभी बड़े भूकंप पर्यावरण में अपना पदचिन्ह नहीं छोड़ते हैं और न ही वे हमेशा अपनी घोषणा करते हैं।
उनका दावा है कि अनुमान अस्थायी है क्योंकि वायुमंडलीय उतार चढ़ाव से सभी महत्वपूर्ण भूकंपों का पता नहीं लगाया जा सकता। अपने YouTube वीडियो में होगर बीट्स ने विस्तार से सौर मंडल ज्यामितीय सूचकांक के बारे में बताया जो बड़े पैमाने पर भूकंप की भविष्यवाणी करता है। फ्रैंक होगर बीट्स सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे SSGS नामक संस्था में शोधकर्ता है। अब बात करते हैं बाबा वेंगा ने भारत के बारे में क्या कहा था, खासतौर पर 2023 में ऐसा क्या हो सकता है जिससे भारत को डरना चाहिए। फ्रैंक की भविष्यवाणियों के बाद सबकी निगाह इस ओर गई कि पुराने भविष्य वक्ताओं ने जो बातें कही हैं अभी उनको हल्के में लिया जा रहा था। हालांकि हमने पहले भी कुछ रिपोर्ट्स आपको बाबा वेंगा पर दिखाई हैं, उनकी पहली नुमा जो ऐसे ही नास्त्रदमस भविष्यवाणी करते थे, बाबा वेंगा का भी ये तरीका था। फिर उनको डीकोड किया जाता और उसके आधार पर उनकी भविष्यवाणियों का आकलन किया जाता है। 2023 में कुछ गड़बड़ होगा ये तो सभी कह रहे हैं, सबका अंदाज़ा ये कहता है बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों का जो इंटरप्रिटेशन करते हैं उनके मुताबिक। आपको बता दें प्रसिद्ध महिला भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने आने वाले कई सालों के लिए खतरनाक भविष्यवाणियां की हैं। इनमें से कई ऐसी हैं जो सच भी साबित हुई हैं। राजकुमारी डायना की सड़क हादसे में मौत से लेकर अमेरिका पर 9/11 हमले तक की भविष्यवाणियां उन्होंने की थी, ऐसा दावा किया जाता है और ये साबित हुई हैं बाद में। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में बच्चे लैब में पैदा होंगे। इतना ही नहीं, माता पिता बच्चों का रंग और लिंग भी खुद तय कर पाएंगे। लैब में बच्चे पैदा होने के साथ ही बच्चों के जन्म होने का पारंपरिक तरीका खत्म हो जाएगा। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2023 में कोई देव जैविक हथियार से हमला कर सकता है जिसमें लाखों लोगों की जान चली जाएगी। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन पर जैविक हथियारों का प्रयोग करने वाली बात कह चुके हैं। धमकियां इस तरह की चल रही हैं और जो युद्ध का माहौल है इसके विषय में भी बाबा वेंगा ने कहा है, इस तरह के भी दावे किए जाते हैं। बाबा वेंगा ने भारत को लेकर भी साल 2023 में जो भविष्यवाणी की है वो जानी है। सोलर सुनामी आ सकती है, या सोलर सुनामी जिसके चलते भारी नुकसान होगा, साथ ही कहीं कहीं पर भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। साल 2023 में तापमान में लगातार गिरावट होने से भारत में टिड्डियों का प्रकोप बढ़ सकता है जिससे देश में महामारी जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई तो कई गलत भी साबित हुई, ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां रहेंगी। लेकिन फिर जब कुछ बड़ी घटना हो जाती है उसके बाद में लोग आकलन लगाने लगते हैं या सोचने लगते हैं कि क्या बाकी की भविष्यवाणियों में भी कुछ दम हो सकता है। बाबा वेंगा के अनुसार 2023 में ऐसा भी समय आ सकता है जब पृथ्वी पर एलियन का हमला हो सकता है जिससे पृथ्वी की धुरी बदल जाएगी जो बहुत खतरनाक होगा। यदि ऐसा होगा तो पृथ्वी सूर्य के निकट हो जाएगी जिससे तापमान बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी अपनी धुरी से हटने के बाद सूर्य से दूर चली जाएगी तो पृथ्वी का तापमान बहुत कम हो जाएगा, जैसा हमने आपको बताया कि पूरी दुनिया में बर्फ ही बर्फ हो जाएगी, चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। तो इस तरह की कई भविष्यवाणियां हैं जो बाबा वेंगा ने की है, कुछ सच साबित हुई हैं कुछ नहीं भी साबित हुई हैं। लेकिन तुर्की में जो भूकंप आया उसको भी फिर फ्रैंक की भविष्यवाणी हो या उसके पहले जितनी भी बातें कही गई थी बाबा वेंगा के द्वारा उसके फिर अलग अलग अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि बर्बादी की जो बात कही गई थी, भुखमरी की जो बात की गई थी, उथल पुथल की जो बात कही गई थी वो क्या भूकंप की ओर इशारा करती है तुर्की के। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारत जैसे क्षेत्रों के लिए स्पेसिफिकली फ्रैंक ने जिन्होंने वर्तमान में तुर्की में भूकंप की बात कही थी उन्होंने भी भारत पाक पर और अफगानिस्तान में भूकंप की बात कही है, और बाबा वेंगा ने 2023 में इस क्षेत्र में क्या क्या तबाही हो सकती है उसकी भविष्यवाणियाँ कर रखी। तो प्रार्थना ही की जा सकती है, ईश्वर से प्रार्थना का ये देश रहा है। लेकिन इस सब के बीच में भविष्यवाणियों की भी बात रहती है, सबसे ज़्यादा हमारे देश में भविष्यवाणियों को माना जाता है। और अब जिस तरीके से आपके फ्रैंक की भविष्यवाणी के बारे में बताया गया कि वो ग्रहों की चाल के आधार पर या जो ज्योतिषीय विद्या हमारे यहाँ बहुत सालों से हज़ारों सालों से प्रचलन में रही है उसके आधार पर वो गणना करते हैं, ये दावा भी किया जाता है। हालांकि देखिए इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है इस तरह की भविष्यवाणियों का, इसको लेकर कई बार बहस होती रही है, इसको धकोसला भी कहा गया है, इसको अफवाह भी कहा गया है, गलत तरीके से भविष्यवाणियों का इंटरप्रिटेशन भी किया गया है। लेकिन फिर भी ये भविष्यवाणियाँ इस वक्त चर्चा में है तुर्की में आए भूकंप के बारे में, इसलिए रिपोर्ट आती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।